लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान पहली बार बोलते हुए प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लोकसभा में अपने पहले भाषण के दौरान प्रियंका गांधी 32 मिनट तक बोली। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान कहा कि संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया। केंद्र सरकार नारी शक्ति अधिनियम बिल को लागू क्यों नहीं करती कि आज की महिला 10 साल तक इंतजार करेगी। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार से कहा कि आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। सत्ता पक्ष के साथी अतीत की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी क्या है। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAIL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, स्टील, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आजादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियां बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज्यादा से ज्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया, अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है, कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल